किसी भी फैंटेसी गेम से 1 करोड़ रुपए जीतना कितना आसान है या नहीं। दोस्तों, हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन गेमिंग की पॉपुलरिटी बहुत तेजी से बढ़ी है। हमने देखा कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी से लेकर यूट्यूबर तक ऐसे ऐप को प्रमोट करते हुए देखते हैं। यहाँ तक कि क्रिकेट टीम की जर्सी पर भी इनके ब्रांड नेम देखने को मिल जाते हैं और इनका जम के प्रमोशन होता है। और इन प्रमोशन के बीच बस एक ही बात बार बार बोली जाती है कि आप घर बैठे करोड़पति बन सकते हैं, यानी कि बस आप टीम बनाओ और जल्दी से करोड़पति बनो। आप इस गेम से, इस खेल से लाखों करोड़ों कमा सकते हो। लेकिन दोस्तों, इन सारे फैंटेसी गेम का एक ही मकसद है, आपको लूटना, आपको एक तरह का जुआड़ी बनाना या गैम्बलिंग एडिक्ट बनाना। इस वीडियो में हम किसी भी एप्लीकेशन का नाम तो नहीं ले रहे, पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस तरह की ऐप की बात कर रहे हैं। जी हाँ, वही ऐप जिनमें आप एक छोटी सी रकम दे करके एक टीम बनाते हैं। आज इनके बिजनेस मॉडल को भी समझेंगे कि ये कैसे पैसे कमाते हैं और आपकी जेब कैसे ये खाली करते हैं। दोस्तों, इन सारे बेटिंग ऐप का एक ही मॉडल है, जिनमें कि ऑनलाइन तरीके से करोड़ों लोगों को कहा जाता है कि आप थोड़े से पैसे लगाओ और वो कंपनी उन सभी पैसों को इकट्ठा करके एक गेम खिलाती है और उनमें से जो भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक मिलते हैं उन लोगों को एक बड़ा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उसके बाद जो भी बचा हुआ अमाउंट होता है वह अमाउंट कंपनी खुद रख लेती है। अब बात आती है कि सब कुछ तो बढ़िया है, इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो जल्दी से करोड़पति बन जाते हैं, बस इन्वेस्टमेंट की बात है तो उनमें से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ, बस एक छोटा सा अमाउंट तो देना पड़ता है। और एक फैंटेसी गेम खेलने वाले को असल में आप वो सच नहीं जान पा रहे जो आपके साथ हो रहा है। आज हम इन सपना 11 के बारे में बात करेंगे जो कि आपको किस तरह से अपनी लत में फंसाते चला जाता है। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बढ़कर एक ही चीज होती है, वो है पैसा। जी हाँ, पैसा का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ऐसी चीज जागती है कि कितनी जल्दी हम अरबपति बन जाएं, कितनी जल्दी हम करोड़पति बन जाएं या फिर इतने अमीर हो जाएं कि हमें किसी भी चीज की जरूरत पड़े बस वो चीज हमारे सामने हो। और ये तब होगा जब आपके पास पैसा होगा और उसी पैसे को जीतने के लिए आप इस तरह के गैम्बलिंग एडिक्ट बनते हैं। कैसे? जैसे कि अगर आप किसी भी गेम को खेलते हैं और उसमें कुछ पैसे लगाते हैं, उसके बाद थोड़ा भी पैसा अगर आप एक बार जीतते हैं तो आपका एक विश्वास बनता है कि हाँ, अब मैं इसमें पैसे जीत सकता हूँ, अब मैं एक बार और इसमें पैसे लगाऊंगा और फिर से मैं इसमें पैसे जीतूंगा। और यही विश्वास आपको बार बार पैसे लगाने के लिए प्रेरित करता है और फिर आप एक एडिक्ट बन जाते हो। भले ही आप बीच में हार जाएं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मैं पिछली बार जीता था तो इस बार भी मैं जीतूंगा, और यही सोच करके आप उसमें बार बार पैसा लगाने लग जाते हैं और आपकी जेब खाली होने लगती है, लेकिन आपका पता नहीं चलता कि मेरी जेब खाली हो रही है। आप अपने रिश्तेदार, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स में पैसे मांगने लगते हैं और उनसे पैसे लेकर भी आप इन गेम में पैसा लगाते हैं ताकि आप वो बचा हुआ हारा अमाउंट भी रिकवर कर सकें या फिर जल्दी से करोड़पति बन सकें। और इसी तरह से आप बन जाते हैं एक गैम्बलिंग एडिक्ट। आज भारत में ऐसे कई गेम चल रहे हैं जिनमें एक छोटा सा अमाउंट लगाया जाता है। जी हाँ, उस छोटे से अमाउंट से आपको कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो उस छोटे छोटे अमाउंट की बहुत सारी टीम बनाते हैं। जी हाँ, एक टीम नहीं बल्कि 20-20 टीम बना करके खेलते हैं और वो अमाउंट तो बड़ा हो जाता है और ना ही वो 1 करोड़ रुपए जीतते हैं बल्कि उनके वो लगाए हुए पैसे भी वापस नहीं होते। कभी कभी तो आपको ये लगता है कि काश भगवान जो मेरे 49 रुपए लगाए थे वो भी वापस हो जाए, और ऐसी प्रार्थना करने लगते हैं लोग। लेकिन क्या आप जानते हैं क्या आप 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं? नहीं, इनको भी हम आगे समझाएंगे, लेकिन इसके गणित को जानना बहुत जरूरी है। अब आप सोचिए कि अगर 49 रुपए देकर 50 लाख लोग एक कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करते हैं तो इतना बड़ा अमाउंट होता है जो कि आपकी स्क्रीन पर है। अब इस बचे हुए अमाउंट में से जब गेम खत्म होगा तो ये सारा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लेकिन हाँ, इसमें से कंपनी अपना परसेंटेज निकाल कर रख लेती है, यानी कि इसका 20-25% कंपनी खुद रखती है और बाकी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसके बीच में भी एक बहुत बड़ा स्कैम होता है जिसे आप नहीं समझ पाते। ज्यादातर कंडीशन में कई कंपनी ऐसे करती है कि 1 करोड़ 50 लाख और जो भी बड़ा अमाउंट होता है वो कंपनियां अपने खुद के बॉट से आईडी बना के रख देती है और इसके बाद वो आईडी या बॉट्स उन बड़े अमाउंट को जीत लेती है। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं जीतता, अमाउंट जीतते भी है ताकि इन लोग का प्रचार हो। आपके आसपास गली मोहल्ले या फिर आपके कोई अलग शहर या गांव में आपने ये न्यूज़ सुनी होगी कि उस बंदे ने 1 करोड़ रुपए जीता या फिर उस बंदे ने 10 लाख रुपए जीता। बिल्कुल सही बात है, ऐसे पैसे जीतते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर केसों में बड़े अमाउंट को कंपनी ले जाती है और कभी कभी आपके आसपास या गाँव शहर के कोई भी बंदा उस अमाउंट को जीत लेता है। और यहाँ पर कई ऐसे हमने एग्जाम्पल भी देखे हैं जहाँ पर हमने देखा कि कई ऐसे गाँव के लोग जो कि आज ऐसे फैंटेसी गेम के माध्यम से करोड़पति बने हैं। कुल मिला के दोस्तों, अगर आपका इस गेम में एडिक्शन बढ़ गया तो आपकी ज़िंदगी तो ख़राब ही है,
यानी कि आप इतने एडिक्टेड होते चले जाते हैं इन गेम में कि फिर आप अपने रिलेटिव फ्रेंड्स रिश्तेदारों में भी पैसे मांगते हैं। इसके साथ साथ आप सोच रहे होंगे यार जब ये इतना बड़ा स्कैम है, इतना बड़ा गैम्बलिंग है, तो फिर गवर्नमेंट इसे बैन क्यों नहीं करती, बंद क्यों नहीं करा देती। तो दोस्तों मैं आपको सिंपल तरीके से बताना चाहूँगा कि ऐसे कई फैंटेसी गेम जिन्होंने इस तरह के केस को जीत लिया था, यानी कि आपको समझा दूं कि जिस गेम में स्किल्स यूज हो रही हो, आपका दिमाग यूज हो रहा हो, वो गैम्बलिंग में नहीं आएगा। लेकिन जिस गेम को खेलने में लक यूज़ हो रहा हो, यानी कि अगर आपका जीतने का चांस लक पे डिपेंड हो, तो वो गैम्बलिंग कहलाता है। और ये गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से गेम ऑफ स्किल्स बताया गया, जिसे घुमा फिरा के केस जीत करके इसे गेम ऑफ स्किल्स बता दिया गया, जिससे गवर्नमेंट भी इसे बैन नहीं कर सकती। और गवर्नमेंट को बैन करना भी क्यों, गवर्नमेंट को तो भी इसमें अच्छा खासा TDS मिलता है। आप जानते होंगे कि जब कोई 1 करोड़ रुपए जीतता है तो इसमें 30% का TDS गवर्नमेंट खुद बहुत काट लेती है, तो अच्छा खासा पैसा गवर्नमेंट को मिल रहा है डेली। गवर्नमेंट इसे बैन क्यों करना चाहेगी, अब आप खुद सोचिए। इसके साथ साथ दोस्तों मैं एक चीज और कवर करना चाहूंगा, जी हाँ, वो है एक तरह का स्कैम जिसमें लोग बुरी तरह फंस जाते हैं, वो है टीम बनाने का स्कैम। जी हाँ, कई लोग ऑनलाइन तरीके से टेलीग्राम चैनल में जुड़ जुड़ के कई अलग अलग एक्सपर्ट या फिर फ्रॉडस्टर लोगों से टीम बनवा लेते हैं। और वो फ्रॉड लोग क्या करते हैं कि आपको एक फर्जी स्क्रीनशॉट बना के देंगे और कहेंगे हम कंपनी की तरफ से हैं और फिर हम आपको ये 1.5 लाख रुपये जीतवा दिए हैं। आपको स्क्रीनशॉट एडिट करके बना के देंगे जो कि एक पूरी तरह से फर्जी स्क्रीनशॉट होता है, और फिर आपको भरोसा दिलाएंगे कि आप 1.5 लाख या 2 लाख रुपये जीत गए हैं। और उसके बाद आपसे वो कुछ पैसे मांगते हैं, कहते हैं 10,000 रुपये भेजो तो हम ये 1.5 लाख आपके खाते में ट्रांसफ़र करवा दें। जब आप 10,000 भेजते हैं तो फिर वो और रकम मांगते हैं कि ये GST चार्ज है, ये TDS चार्ज है, ये अलग अलग तरह के चार्ज बताकर आपसे 25-30-40,000 रुपये लूट लेते हैं। जब आपको पता चलता है कि मेरे साथ स्कैम हो रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस तरह के स्कैम भी आज सामने आए हैं, जी हाँ, और ये स्कैम हमने कई अलग अलग वीडियोस में आपको लाइव दिखाई भी। कुल मिला के दोस्तों, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ अपनी लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं, तो ये गेम खेलकर नहीं, बल्कि आप कुछ अच्छा सीखें, अच्छा करें, यानी कि चाहे फिर वो कोई काम ही क्यों ना हो। ऑनलाइन तरीके से आज की डेट में कई अलग अलग तरीके हैं जहाँ से पैसे कमाए जा सकते हैं। जी हाँ, जैसे कि आप YouTube पे वीडियोस बनाकर पैसे अर्न कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, कुछ अच्छा नया सा स्टार्टअप कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ कई ऐसे इंटरनेट पे तरीके मिल जाएंगे जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं, और वो भी अपने लाइफ के लिए। जुआ में तो आपका लक एक ही बार काम करता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप कोई स्टार्टअप कर लिए, कोई बिजनेस कर लिए, तो वो आपके लिए जीवन भर काम आएगा। आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं आएगी, आपको हमेशा काम मिलता रहेगा। लेकिन आप अगर जुए में लगेंगे तो 1-2 बार तो आप जीत जाएंगे, हो सकता है आप बड़ी रकम जीत जाएं, लेकिन वो रकम जिंदगी भर तो चलने वाली नहीं, एक ना एक दिन वो आपको ख़त्म कर देगी। कई ऐसे लोगों को मैंने देखा है जिन्होंने ऐसे फैंटेसी गेम में लाखों रुपए जीते, लेकिन वो दोबारा जुआ के अलावा कुछ और अपने जीवन में नहीं कर पाए। लाखों रुपए जीतने के बाद दोबारा पैसे लगाने लगे कि फिर से मैं 1 लाख जीतूंगा, और 1-2 लाख से ज़्यादा वो पैसे फिर इन्वेस्ट कर डाले, लेकिन दोबारा वो 1 लाख रुपए नहीं जीते। तो यही चीज़ होती है, लालच सबसे बड़ी चीज़ जो कि आपको तबाह कर देती है। और अगर आप ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे तो आप एक ना एक दिन फंसते चले जाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।